ओम श्री हनुमत नम। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। तो प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे कर्क राशि वाले के जातकों के लिए अक्टूबर का माह कैसा रहेगा। पहले तो बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। सूर्य कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को तो आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 4 अक्टूबर को वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। बुध आपके तुला राशि में चल रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर मतलब 14 अक्टूबर को तो वक्री होकर तुला राशि में ही भ्रमण करेंगे। गुरु आपके मतलब धनु राशि में ही संचार करेंगे और शुक्र आपके 23 अक्टूबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 अक्टूबर को ही आपके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके मकर राशि में ही भ्रमण करेंगे, मार्ग की स्थिति में रहेंगे। राहु आपके वृषभ राशि में संचार करेंगे, वृषभ राशि में, और केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो ये आपके ग्रह गोचर की स्थिति अक्टूबर माह में। अब बात करते हैं व्रत और त्यौहार की। तो आपकी 1 तारीख को पूर्णिमा तिथि घटित हो रही है, उनकी 2 तारीख को गांधी जयंती है, 5 तारीख को आपका संकष्टी व्रत गणेश चतुर्थी मनाया जाएगा, और 13 तारीख को एकादशी व्रत है, 14 तारीख को प्रदोष व्रत, 16 तारीख को अमावस्या तिथि घटित हो रही है, और 17 तारीख को आपकी तुला राशि की संक्रांति और आपके नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, और 17 तारीख को ही आपको नवरात्रे प्रारंभ और घट स्थापन का जो टाइम रहेगा वो है आप 7:25 के बाद, तो घट स्थापन कीजिए क्योंकि नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं 17 अक्टूबर से, और 23 तारीख को आपका दुर्गाष्टमी, 24 तारीख को महानवमी, और 25 तारीख को दशहरा, और 27 तारीख को तो एकादशी पापाकुंशा, तो एकादशी इसको बोलते हैं, और साथ में 28 तारीख को आपका प्रदोष व्रत है, 30 तारीख को आपकी शरद पूर्णिमा, तो आपको मतलब सायंकाल 5:45 से तो स्टार्ट हो जाएगी, तो शुरू हो जाएगी प्रारंभ होकर, और ये अगले दिन 31 तारीख तक 8:20 तक तो रात्रि रहेगी। तो शरद पूर्णिमा जो है आपकी वह आपकी 30 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो ये आपके व्रत और त्यौहार की स्थिति। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का माह कैसा रहेगा। पहला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। कर्क राशि वालों के लिए तो हेल्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह माह आपके तो बहुत अनुकूल नहीं है, तो स्थिति थोड़ी गड़बड़ा रही है क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, तो यह आपको तो स्थिति थोड़ी आपका मतलब इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, थोड़े कोल्ड कफ, फ्लू, और आपका तो मानसिक संतुलन या आपका मतलब फिजिकल तो कोई प्रॉब्लम आपको, तो शारीरिक कोई प्रॉब्लम आपको, समस्या कोई क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं, खान पान के ऊपर ध्यान दें, कोई कोल्ड फ्लू और आपको जुकाम तो ये सब चीज़ें, और कोई वायरस तो आपको जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो ये कुछ क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा संभल कर रहे हैं, तो घर से बाहर निकलें तो थोड़ा मुझे ध्यान दें। उसके बाद तो आपके धन परिवार की स्थिति यहाँ आपके अनुकूल है, तो परिवार वालों का सहयोग मिलेगा और उनका लाभ सपोर्ट बेनिफिट से आप कोई कार्य करेंगे आपको सक्सेस मिलेगा, तो आपस में सामंजस्य बना रहेगा और आपका सौहार्द का सुख का माहौल, शांति का माहौल घर के अंदर रहेगा। फाइनेंस की स्थिति आपकी मजबूत होगी और यहाँ आपका फाइनेंस बढ़ेगा, तो उसमें अचानक से कोई वृद्धि हो सकती है, तो फाइनेंस के लिहाज से भी स्थिति आपके फेवर में चल रही है। तो आत्मविश्वास आपका बना रहेगा, स्थिति आपके फेवर में रहेगी, और तो आपको मित्रों का और आपके भाइयों का आपको जो सहयोग मिलेगा तो उनके सहयोग के बल पर भी आप कोई कार्य करेंगे, उनके थ्रू कोई कार्य करते हैं तो आपको इसमें तो सफलता मिलेगी, और आपका तो आत्मविश्वास और आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। लेकिन 23 तारीख के बाद अचानक से आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, थोड़ी निगेटिविटी आएगी, नकारात्मक विचार आएंगे, वहाँ स्थिति चूँकि वहाँ पर आपके शुक्र जो है मतलब 23 तारीख को तो आपकी कन्या जो नीच की राशि हो तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ स्थिति 23 के बाद तो यानी इसका जो आपका जो मासांत है तो जो लास्ट का वीक है, तो लास्ट का सप्ताह है, तो वहाँ थोड़ा मतलब संभल कर रहे हैं, अचानक से आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंस आपका लूज, आत्मविश्वास में कमी, और या किसी मित्र से और या कोई छोटे भाइयों की तरफ से कोई तकलीफ, तो मासांत में तो मास के जो आपका आखिरी जो हफ्ता है सप्ताह है तो उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा ध्यान दें और संभल कर कार्य करें, बहुत ज़्यादा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करें क्योंकि नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं आपकी भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की। तो यहाँ पर स्थिति आपके अनुकूल है, लेकिन 17 तारीख के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इसमें क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वहाँ सूर्य आपके मतलब तुला राशि में है, लेकिन यहाँ पर जो नीच राजभंग योग भी बनाते हैं तो ऑल ओवर स्थिति देखें तो यह वहाँ भूमि, मकान, वहाँ जायदाद को लेकर तो मतलब ठीक रहेगी, लेकिन 17 के बाद आप थोड़ा सोच समझ कर कोई डिसीजन लें, और तो लेकिन यह लाभ की संभावना रहेगी, कोई नए घर में प्रवेश करना है या मतलब मतलब नए घर की कोई डीलिंग करनी है, कोई नया वाहन खरीदना है तो आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो स्थिति आपके अनुकूल है।
और साथ में संतान पक्ष की अगर बात करें तो यहाँ स्थिति भी आपके फेवर में है और संतान की तरफ से आपको संतुष्टि मिलेगी, उनके विवाह शादी के कोई कार्य बन सकते हैं, उनको नौकरी में उन्नति हो सकती है, उनकी पढ़ाई में उन्नति हो सकती है और उनसे अगर सामंजस्य आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा उनसे संतुष्टि प्राप्त होगी और जो विद्या के क्षेत्र में जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ प्राप्त होंगे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ेगी और उनको मन मुताबिक कहीं एडमिशन मिलना और उनको उसमें उनको सफलता पूरी दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में भी आपको लाभ मिलेंगे, आपके संबंध थोड़े प्रगाढ़ होंगे और उसमें मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ तो आपको सहयोग बेनिफिट मिलेगा, कंटिन्यू कीजिए तो स्थिति आपके फेवर में है। और नौकरी पेशे वालों के लिए स्थिति भी मतलब शुभ रहेगी, अचानक से कोई नौकरी लगना, उनकी नौकरी में तरक्की करना और आपका तो आपके ऑफिस में आपका माहौल अच्छा बनना, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ना, आपकी मेहनत तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, स्थिति आपके अनुकूल है, अचानक से कोई नौकरी भी लग सकती है, नौकरी में तरक्की भी कर सकते हैं और कोई ऋण भार आपके ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको उतरने के पूरे चांस रहेंगे और तो जो आप थोड़े से एफर्ट्स करेंगे तो आपकी स्थिति आपके फेवर में नज़र आएगी और वो शत्रु पक्ष भी आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं दे पाएंगे तो ऑल ओवर स्थिति अनुकूल है। लेकिन दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ स्थिति मतलब थोड़ी तनावपूर्ण आपकी रहने वाली है तो वहाँ पर थोड़े आपके डिफ्रेंसेज क्रिएट हो सकते हैं और थोड़ा जो मेंटली आपका टेम्पर थोड़ा तो मतलब छोटा हो सकता है तो थोड़ा संयम बरतें, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मत करें नहीं तो स्थिति खराब हो सकती है। विवाह शादी में भी अचानक कोई प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो सकती है और या विवाह होते होते रुकना या कोई उसमें अड़चन आना तो कोई दिक्कत आ सकती है तो यहाँ पर थोड़ा आप संभल कर चलें और थोड़े मतशनि की तरफ और मतशनि का थोड़ा ध्यान करेंगे तो स्थिति यहाँ पर ठीक रहेगी। तो उसके बाद आप क्या करें, मैं यहाँ पर आपका अचानक से लेकिन थोड़ा आप ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर आपका शनि मरकरी शुक्र मारक स्थान में अचानक से कोई दुर्घटना वगैरह भी घटित हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी अचानक से आ सकती है तो थोड़ा तो यहाँ भी आप ध्यान देने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर जब मैं आपको आगे तो इसके उपाय बताऊँगा कि जिससे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और आप इनके अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। तो साथ में भाग्य स्थान की दृष्टि से बात करें तो ये स्थिति आपकी ठीक है, यहाँ भाग्य आपको तो फेवर कर रहा है और साथ में भाग्य के बल पे आप उन्नति करेंगे और कार्य व्यवसाय में कोई चेंज करना है या कोई उसमें आपको वृद्धि करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई कार्य व्यवसाय को चेंज भी कर सकते हैं और उसमें कोई आपको मतलब इंक्रीमेंट वगैरह करना है तो आप कीजिए, आपको उसमें जरूर लाभ प्राप्त होंगे क्योंकि आपके दशमेश जो आपके मंगल हैं भाग्य स्थान में पहुँचकर मित्र राशि में तो आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में आपको यहाँ लाभ की स्थिति भी आपके अनुकूल बनेगी और तो स्थिति आपके फेवर में है। लेकिन 23 तारीख के बाद मतलब थोड़ा सा अचानक से मिलाप में थोड़ी रुकावट आपको आ सकती है और ट्रैवलिंग की दृष्टि की बात करें तो ये वहाँ आपके बिल्कुल फेवर में रहेगा। अगर आप यात्रा जी से कोई कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का विदेशों से कोई आपका कुछ कार्य है तो या अपने मतलब देश में ही आप कोई मतलब फील्ड वर्क मतलब एक शहर से और दूसरे शहर कोई कार्य करते हैं तो या कोई नौकरी करते हैं इसमें भी आपको लाभ की संभावनाएं पूरी रहेंगी, कोई नए संबंध बनेंगे और वहाँ से आगामी आपको बेनिफिट्स वगैरह उसको लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। ऑल ओवर स्थिति देखें अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके फेवर में है तो मतलब जो है शुभ स्थिति में है तो यहाँ आपको 70-80-90% तक आपको रिजल्ट इसके अनुकूल मिलेंगे और अगर दशा अंतरदशा आपके फेवर में कुंडली में नहीं है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब संभल कर रहें क्योंकि फिर उसकी परसेंटेज मतलब थोड़ी घट जाएगी, मतलब 10-20% तक उसके प्रभाव मिलेंगे। कुल मिलाकर आप तो इस माह में तो शनि के उपाय करेंगे तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और अभी मैं आपको उपाय आगे बताता हूँ। तो जब पहले आप जान लीजिएगा कि जो इस माह की अशुभ तिथियाँ के जो अशुभ तिथि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो उसमें आपको कौन कौन से कार्य मतलब नहीं करने हैं, पहले आप जान लेते हैं अशुभ तिथि के बारे में कि उन तिथियों में आपको कौन कौन से कार्यों से बचना चाहिए। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 17-18 तारीख को चौथा चंद्रमा रहेगा, इसमें आप भूमि मकान वाहन जायदाद से लेकर कोई कार्य न करें अन्यथा आपको लाभ की बजाय हानि होगी। और साथ में 25-26-27 तारीख को आपका 8वां चंद्रमा रहेगा, 25 तारीख को आधा दिन के बाद और 26-27 को पूरा दिन तो आप कोई मतलब चोट दुर्घटना आदि से बचें और उसमें कोई मतलब कोई ट्रैवल मतलब कोई गाड़ी वाड़ी कोई वाहन वाहन चलाना उससे अचानक आपको नुकसान हो सकता है और कोई बड़ी बीमारी अचानक से कोई क्रिएट हो सकती है, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, थोड़ा मतलब संभल कर रहें। और 8 और 9-10 को आपका तो आपका 12वां चंद्रमा रहेगा तो यहाँ को ट्रैवलिंग आदि का कार्य न करें अन्यथा आपको लाभ की वजह उसमें नुकसान होगा, कोई कोर्ट केस के चरिए फंसे हुए तो वहाँ भी नुकसान हो सकता है तो आपको दिक्कत आ सकती है और आपके वेस्ट एक्सपेंडिचर्स वगैरह हो सकते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखें तो ये माह की स्थिति ठीक है लेकिन थोड़े मतलब शनि यहाँ पर मरकरी शुक्र मारक स्थान में उनकी दृष्टि आपके हेल्थ के जो स्वास्थ्य के घर पर पड़ रही है तो ये दृष्टि तो ये स्थिति अनुकूल नहीं है। मैं इसके उपाय आपको बता देता हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंटली श्रद्धा विश्वास से, अगर ये बहुत छोटा सा उपाय है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि 5 मिनट प्रतिदिन आपको करना है तो इसके आपको तो अनुकूल प्रभाव मिलेंगे। आप क्या कीजिए कि शनिवार को अंडा मांस मछली आप नहीं खाइए
और साथ में ओम गंग गणपति ने में वन नॉट एट टाइम्स और ओम शंख शनिश्चराय ने में वन नॉट एट टाइम्स। आप दो मंत्रों का जाप डेली कीजिए, आपको 3 या 4 मिनट लगेंगे कि दो मंत्र करने में, तो 108 बार कीजिए। और मतलब शनिवार को अंडा मांस मछली नहीं खाइए। और साथ में क्या कीजिए, आप शनिवार को पीपल ट्री पर काला तिल कच्चा दूध पानी मिलाकर चढ़ाएं और साथ में तिल के तेल का दीपक चढ़ाएं और थोड़ा सा मीठे का प्रसाद वहाँ पर चढ़ा दें और 3 प्रदक्षिणा करें और वहाँ खड़े होकर शनिदेव से माफ़ी मांगें और घर चले आएँ। और साथ में आप पक्षियों को जरूर खिलाएँ, कौओं को जरूर खिलाएँ। और साथ में आप जैसे सोमवार को शिवलिंग पर तो कच्चे दूध में काला तेल मिलाकर ओम नमः शिवाय कहते हैं अभिषेक करें, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और ये विश्वास, तो ये जो मैंने आपको बताया, तो आप गंग गणपति ने और शंख शनिश्चराय में मंत्र है, थोड़ा श्रद्धा विश्वास से कीजिए कि 4-5 मिनट लगेगा प्रतिदिन, लेकिन इसके बहुत शुभ फल मिलेंगे। और शनिवार को शनि भगवान के नाम का घर में थोड़ा सा वो मीठे का कोई प्रसाद बना लें और उसकी शनि की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और मतलब यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि आपके शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं तो उनसे आप बचे रहेंगे, तो वैसी स्थिति ऑल ओवर अगर देखें, अगर आपकी कुंडली में ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल है तो यहाँ स्थिति आपकी 70-80-90% तक टिक जाएगी, और नहीं तो 10-20% तक स्थिति रहेगी। लेकिन आप मतलब शनि को फेवर में कर लें, और इसको फेवर में करने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने बताया, किसी भी ग्रह को आपको अपने अनुकूल करना चाहते हैं तो आप उसका एक माला बीज मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, 2 मिनट लगता है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं, तो आप शनि के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, स्थिति आपके अनुकूल बनेगी, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय श्री हनुमान।